हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवीएफ रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राई। फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको छील लिया है। आलू को कट करने से पहले हम इनको अच्छे से धो लेंगे। धुले हुए आलू को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम आलू को कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आलू को कट कर लेना है। अब इन आलू को 2 से 3 बार साफ पानी में और धोएंगे। इस तरह से इसे धो लेंगे। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आलू से मांड निकालने के लिए मैंने इसको 3 से 4 बार धोया है। अब आलू को बॉईल करेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे। 4 आलू में मैं यहाँ 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। ये देखिए, पानी गर्म हो गया है। फ्लेम को लो कर लेंगे। लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट और पकाएंगे। पानी से आलू को निकाल लेंगे। उस साफ पानी में 10 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे। ये देखिए, अब इसे पानी से बाहर निकाल लेंगे और एक सूखे कपड़े पे इसे सुखा देंगे। ये देखिए, इस तरह की हमें फ्रेंच फ्राई चाहिए। सभी फ्रेंच फ्राई को हम एक कपड़े पे सुखा देंगे। इस तरह हम सभी फ्रेंच फ्राई को सुखा लेंगे और इसे 1 घंटे के लिए सूखने देंगे। ये देखिए, 1 घंटा हो गया है इनको सुखाए हुए। इन सभी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, एकदम परफेक्टली सूख गई है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को चेक कर लेते हैं। अब सभी फ्रेंच फ्राई को हम इसमें डालेंगे। छलनी को चलाते रहेंगे कि ये चारों तरफ से पक जाए। ये देखिए, कलर चेंज हो गया है। अब इनको निकाल लेंगे। इस तरह से सभी फ्रेंच फ्राई को फ्राई कर ले। ये देखिए, अब इसको हम ठंडा होने देंगे और 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख देंगे। ये फ्रेंच फ्राई को फ्रीज़र कर लिया है। अब इसको हम एक बार और फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेंच फ्राई। लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो गई है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, फ्रेंच फ्राई बनके तैयार है। कितनी क्रंची एंड क्रिस्पी दिख रही है। ये देखिए, अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। लाल मिर्च पाउडर
अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।